वेलकम फ्रेंड्स, माय सेल्फ पुष्पेंद्र धाकड़ एंड आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो सिंपल, वही सबसे पहले आता है आपका आइडेंटिफिकेशन। तो पहचानते कैसे, तो सबसे पहले पहचानेंगे कैसे, अगर हिंदी में बात हो रही है तो परफेक्ट मीन्स होता है आपका कोई चीज हो जाती है, मतलब समथिंग चीज हैपेंड, मतलब फिनिश हो चुकी है वो। जैसे कि वह पहुंच चुका होगा, वह चुका होगा मीन्स तो फ्यूचर होगा, वह पहुंच चुका है। जैसे कि मैं कहूंगा कि भाई आप वो घर गया था, अभी पहुंच गया क्या? हाँ पहुंच चुका है वो, तो पहुंच चुका है। तो लास्ट में जब भी आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा हिंदी में, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इंग्लिश में, इंग्लिश में आपको किससे पहचानना है? हैज और हैव मीन्स हेल्पिंग वर्ब से, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी हैज और हैव। तो हैज और हैव देखो दो हैं, तो दोनों का यूज भी आपका समझ ही गए होंगे। सिंगुलर का यूज होगा आपका हैज के साथ और प्लूरल का यूज होगा आपका हैव के साथ। जैसे ही हैज, शी हैज, इट हैज, और अगर आपका वैसे होगा तो आई हैव, वी हैव, यू हैव, इस तरह से होगा। तो सिंपल है ये चीजें। आपने जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम हेल्पिंग वर्ब का ही यूज है। अगर आपको मेनली अगर हेल्पिंग वर्ब आप पहचान लेते हैं तो आपको बिल्कुल सेंटेंस आपको आराम से आ जाएंगे। और स्पीकिंग में आपको मेन चीज़ है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा आप किस तरह से बोल रहे हो, तो स्पीकिंग के लिए आपको टेंस आना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं कहाँ, सिंपल सेंटेंस पे। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसके पहले बताने से पहले मैं आपको इसका एक यूनिवर्सल लॉ बताता हूँ आपको। और यूनिवर्सल लॉ क्या है आपका, वो ये है कि कभी भी चाहे वो पास्ट हो, फ्यूचर हो या फिर प्रेजेंट टेंस हो, आपको सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जैसे आपका कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, उसी तरह ही आपका परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। बस ये यूनिवर्सल लॉ था और बाकी कुछ भी नहीं। अगर समझ लो जहां भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, इसका मतलब कौन सा टेंस है, वो परफेक्ट टेंस, चाहे वो पास्ट का हो, फ्यूचर का हो या फिर प्रेजेंट का हो। तो इसमें आते हैं हम सिंपल सेंटेंस के फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे सिंपल, जैसे मैं बाहर जा चुका हूँ तो नहीं आ, जैसे मैं बाहर, वह पहुँच चुका है, वह पहुँच चुका है, तो वह पहुँच चुका, तो ही, इसके बाद क्या आएगा आपका हैज या हैव, तो इसके बाद ही हैज। पहुँचना मतलब क्या होता है, पहुँचना मतलब होता है आपका रीच, तो ही हैज रीच। जैसे वह कहाँ पहुँच चुका है, वह भोपाल पहुँच चुका है, तो ही हैज रीच, ही हैज रीच टू भोपाल। जैसे वह बिल पे कर चुका मतलब भुगतान कर चुका है, तो ही हैज पेड द बिल, ही हैज पेड द बिल, वह बिल पे कर चुका है चुकी है, चुके, इस तरह से करना हमें। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस था। इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है और साथ में हैज और हैव, हैज का यूज करना है आपको सिंगुलर के साथ और हैव का यूज करना है आपको प्लूरल के साथ। अब आते हैं आपके नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस आपके, तो इसमें सिंपल है, नेगेटिव किसके बाद होगा आपका, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बस ये था सिंपल, आपको सिर्फ कितना करना है, आपको हैज या हैव के बाद क्या लगाना है, नॉट। जैसे कि उसने बिल अभी तक वह बिल अभी तक पे नहीं कर चुका है या वो अभी तक नहीं पहुंच चुका है, जो भी सिस्टम रहेगा तो नहीं आएगा। जैसे हमने पिछला सेंटेंस बनाया था कि वह बिल पे कर चुका है, तो वह बिल पे नहीं कर चुका है, तो क्या होगा, ही हैज नॉट पेड द बिल, ही हैज नॉट पेड द बिल। जैसे वो अभी तक बिल पे करने नहीं कर चुका है, तो ही हैज नॉट पेड द बिल येट। येट का यूज करते हैं जब ये अभी तक स्टाइल में लास्ट में यूज होता है। तो मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा येट का यूज, मॉडल्स, प्रीपोजिशन, सब कुछ। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव में क्या होता है, आपका हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाता है, बिगनिंग में, स्टार्टिंग में जाता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क अगर लिखेंगे तो, बाकी बोलने में जरूरत ही नहीं है। तो कहाँ पहुंचते हैं, जैसे आपका पहला ही वाला जो सेंटेंस था क्या था, कि वह बिल पे कर चुका है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा इसका, क्या वह बिल पे कर चुका है, तो इसका क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो हैज ही पेड द बिल,
पेड द बिल? तो आया समझ में आपको? सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव और इंटरगेटिव, प्रैक्टिस देम। आप प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा उतना ही आप इसमें परफेक्ट होते जाएंगे। बस ध्यान रखना है आपको फॉर्मूले का और हेल्पिंग वर्ब का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।